सीधी पेशाब कांड की देश भर में निंदा की जा रही है। कांग्रेस भी इस मामले में भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। परासिया में यूथ कांग्रेस ने शिवराज का पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। अंकुश जायसवाल ने कहा कि जब से शिवराज सरकार प्रदेश में शासन कर रही है तब से आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। चाहे सिवनी की घटना हो या सीधी की घटना हो, सभी जगह अपराधियों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। ये सरकार दलित आदिवासी विरोधी सरकार है, निकम्मी सरकार है। प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला द्वारा जो कुकृत किया गया मध्य प्रदेश में सभी के सामने है, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने उसको देखा है। तो यह सरकार निकम्मी सरकार लगातार संरक्षण दे रही है और मेरा ये भाजपा सरकार से और देशवासियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप देखिए कि भाजपा के लोग ही लगातार ऐसे कुकृत कर रहे हैं और भाजपा का सरकार कहीं नहीं कहीं उन्हें संरक्षण प्राप्त है। ये बंद होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो युवक कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। भगवान राम के ही उन्हीं चाहने वालों को उन्हें आदिवासियों के वनवासियों के खिलाफ घोर अत्याचार कर रही है। हाल ही की घटना आपने देखी और सुनी, ये बहुत ही निंदनीय है और हम युवक कांग्रेस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम बहुत उग्र और आक्रोशित आंदोलन करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन की। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।